نحمده ونصلي ونسلم على رسوله خاتم الأنبياء والمرسلين جد الحسن والحسين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم والفرقان المجيد في مقام آخر في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله हम दरिया का पे सर अपना झुका लेते हैं, हम दरिया का पे सर अपना झुका लेते हैं, सच बताना अरे दुनिया तेरा क्या लेते हैं। जब नहीं मिलती कहीं से भी सुकून की दौलत, जब नहीं मिलती कहीं से भी सुकून की दौलत, आका तेरी महफिल तेरे दीवाने सजा लेते हैं। सच बताना अरे दुनिया तेरा क्या लेते हैं। वक्त की कैद नहीं है ये कर्म की बातें, वक्त की कैद नहीं है ये कर्म की बातें, जिसको 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 मेरे सरकार की मर्जी हो बुला लेते हैं। हम इश्क के मारों का न करो तबीबों को इलाज, हम गम इश्क नबी से ही दवा लेते हैं। सच बताना अरे दुनिया तेरा क्या लेते हैं। गुंबदे खजरा खुदा तुझको सलामत रखे, गुंबदे खजरा खुदा तुझको सलामत रखे, देख लेते हैं तुझे प्यास अपनी बुझा लेते हैं। सच बताना अरे दुनिया तेरा क्या लेते हैं। और जब से देखा है नियाजी ये रियाजुल जन्ना, हम तो घर बैठे ही जन्नत का मजा लेते हैं। सच बताना अरे दुनिया तेरा क्या लेते हैं। ये सब मेरे आका की इनायत, ये सब मेरे आका की इनायत है, करम है उनका, हम जहां चाहें वहीं रंग जमा लेते हैं। सच बताना अरे दुनिया तेरा क्या है। निहायत वाजिबुल एहतराम मशाइख इज़ाम सादात गिरामी काबिल कदर उलमाए वक़ार काबिल इज़्ज़त बुज़ुर्गों काबिल फ़ख़्र नौजवान भाइयों दोस्तों, मेरे प्यारे प्यारे आका के प्यारे प्यारे ग़ुलामान मुस्तफ़ा, दूर और नज़दीक से तशरीफ़ लाने वाले आशिकान मुस्तफ़ा सनाखान मुस्तफ़ा, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह रब्बे ज़ुल जलाल का जितना शुक्राना अदा करें कम है। जिस खालिक़े कायनात ने जिंदगी में एक बार फिर अपने महबूब की सजी हुई बाबरकत महफिल में हम सबको शामिल फरमाया, दिल से दुआ फरमाए रब्बे काबा
आप सब के ये लम्हे कबूल और मंजूर फरमाएं, और इन लम्हात की कबूलियत का सदका अल्लाह रब्बे जुल जलाल हम सब की और हम सब के वालिदैन की बुजुर्गों की मगफरत और बख्शिश फरमाए। मुबारकबाद के हकदार हैं आप सारे बिलअमूम और बिलखसूस मेज़बाना ने ग्रामी, जिस जिस भाई ने भी दामे दीर में सुख ने जो हिस्सा मिलाया, दुआ फरमाए अल्लाह रब्बे जुल जलाल सदका हिस्सा कबूल और मंजूर फरमाए। अहबाबे ग्रामी, बिला तमहीद सिर्फ एक कुरानी नुक्ता अर्ज करूँगा, ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, आप बड़ी देर से तशरीफ़ फरमा है और यहाँ स्टेज पर हाजिरी पेश करने वाले तमाम अहबाब मोहब्बत से हाजिरी पेश कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक, और आप भी बड़ी मोहब्बत से सुन रहे हैं, तशरीफ़ फरमा है, दुआ फरमाए अल्लाह ताला सबका पढ़ना आपका सुनना कबूल और मंजूर फरमाए। मेज़बानों ने ग्रामी ने खूबसूरत लाजवाब मोहब्बतों का इजहार किया आका अलैहिस्सलाम से, अपनी अकीदत का, अपनी गुलामी का सबूत दिया, और ख़ास तौर पर हर अंदाज हर मिजाज के मेहमानों को इकट्ठा किया, ताकि जो गुरसुर वाले हैं वो गुरसुर भी ले जाएं, जो कुरानी नुक्ता लेने आए हैं वो भी ले जाएं, जो नात का ज़्यादा शौक रखते हैं नात खां भी कमाल है और नकीब महफिल भी कमाल, चुन चुन के इंतखाब किया है। मेज़बानों के तजर्बे को सलाम, ये फैसला नए लोग नहीं कर सकते, ये फैसला तजर्बे के बाद होता है, हमारा रोज का काम समझते हैं। अब आप आइए, सिर्फ एक पुरानी नुक्ता अर्ज करूँगा और बात करनी है इश्क मुस्तफ़ा, बात करनी है मोहब्बत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बात करनी है आका की गुलामी की। आइए, रबे काबा ने यूं समझिए कुरान करीम को सामने रख कर आपको नुक्ता अर्ज कर रहा, आपकी तवज्जो का शुक्रिया, आपकी मोहब्बत का शुक्रिया, बस जिस तरह जोक में आप बैठे हैं ना, इसी तरह अपनी आवाज़ का वॉल्यूम खुला रखें, आवाज़ ऊंची आती रहे, ताकि मैं जल्दी जल्दी नुक्ता समझाऊं और माइक छोड़ूं। अभी थोड़ी सी गुंजाइश है, अभी थोड़ी सी और कोशिश करें, ये बात बस इधर ही रखना है, लेवल इधर रखना है, गौर करके, चूंकि बात ऐसी है, टाइम कम लेना है, बात पुरानी करनी है, नुक्ता पुरानी बताना है। कहना चाहता हूं, रब्बे काबा ने कुरान करीम अलहम्द से लेकर वन्नास तक दीन का हुक्म फरमाया है, दीन इस्लाम का, ईमान का, रब्बे काबा ने रब्बे काबा का हर हुक्म आंखों पर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, उलमाया अहले सुन्नत, माशाल्लाह, खतीब अहले सुन्नत, अदीब अहले सुन्नत, फख्र अहले सुन्नत, इज्तमा हज़रत अल्लामा मखदूम जाफर हुसैन कुरैशी साहब मदीनत उलिया मुल्तान की सरजमीन तो अत शरीफ लेके आ चुके ने, दिल दी अथाह गहराइयां नाल खुशामदीद, अहलन मरहबा जी। अब आप जल्दी जल्दी रास्ता छोड़ दें ताकि किबला अलामा सब सफेद जिले बन जाए, वक्त बचा, वक्त बचाते हुए जल्दी जल्दी अब आप सफेद का रास्ता छोड़ दें ताकि किबला अलामा सब आसानी सफेद की जीनत बन जाए। जिन्हें दोस्त अदबन खड़े हो, तालीमन खड़े हो, बरए मेहरबानी तशरीफ रखो, जल्दी जल्दी तशरीफ रखो, माशा नारे तकबीर, नारे रिसाल, नारे तहकी, नारे हैदरी, नारे गौसिया, इसे तमाम हजरत अल्लामा मखदूम जाफिर हुसैन कुरैशी साहब आप तशरीफ लेके आए, जल्दी अथा गहराइए नाल खुशामदीद, अहलन व सहलन मरहबा। जिन्हें दोस्त खड़े हो यकदम तशरीफ रखो, शुक्रिया।
सदा बुलंद कर दें, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह आका के गुलामों के दिलों की धड़कन इल्ला कुरैशी साहब जलवा करें। मैं अपनी बात को मुख्तसर करता हूँ, जो अभी शुरू कर रहा हूँ इसको बड़ी जल्दी मुकम्मल करना चाहता हूँ। रबे का नुक्ता कुरानी है, रबे काबा ने कुरान करीम में हर रुकन का, दीन के रुकन का, इस्लाम के रुकन का हुक्म फरमाया है। नमाज की बात आई, रबे काबा ने फरमाया वाकिमुस्सलात, लोगों नमाज कायम करो। जब लोग नमाज के लिए तैयार होकर खड़े हो गए, बावजू होके मस्जिद में आ गए, कुरान उठा के अर्ज करने लगे खालिक कायनात तेरी किताब उठा रखी है, नमाज पढ़ना चाहते हैं, इबादत करना चाहते हैं, मगर कितनी रकात शुरू करनी है, पहली रकात में क्या पढ़ना है, दूसरी में क्या पढ़ना है, पूरे कुरान में नहीं मिलेगा। रब ने फरमाया ये मेरा मुस्तफा बताएगा। जुमले प्रवर करते जाए, बात को खोलूं तो एक जुमला घंटे की तकरीर बन जाएगा। हज का हुक्म आया, बंदे ने रास्ते सफर बांधा, तैयारी की, करीब पहुंचा, ए खालिक के कायनात जिंदगी भर की पूंजी इकट्ठी की है, तेरे घर पहुंचने के लिए करीब आया हूं, कुरान भी सारा पढ़ा है, सीखा भी है, एहराम कहां से बांधूं। रबे काबा ने फरमाया ना कुरान बताएगा ना रब बताएगा, ये मेरा मुस्तफा बताएगा। हम उधर बात करते हैं, रब इधर बात करते हैं। हम अर्ज करते हैं खाले के कायनात, कुफ्र और शिर्क में डूबी हुई इंसानियत, जिहालत में डूबी हुई इंसानियत दीन इस्लाम की रोशनी में दाखिल होना चाहती है, कलमा पढ़ना चाहते हैं। अव्वल कलमा तैयब एक दफा सारे पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुफाज़े कराम, उलमाए कराम, कुर्रा हजरात जलवागर हैं, पूरे कुरान में पहला कलमा इकट्ठा नहीं मिलेगा। अलहम्द से वन्नास तक पूरे कुरान में पहला कलमा, रबे काबा ने एक जगह ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र रखा है तो दूसरी जगह मोहम्मद रसूलुल्लाह का जिक्र। जो अलग अलग रख सकता है इकट्ठा भी, मगर नहीं रखा खालिक के कायनात, कलमा पढ़ना चाहते हैं, दीन इस्लाम में दाखिल होना चाहते हैं। रबे काबा ने फरमाया ये कलमा कुरान में नहीं मिलेगा, ये मेरा मुस्तफा सिखाएगा। किस्सा मुख्तसर अगर हवाले दो तो लंबे हो जाएंगे। रबे काबा अजीब बात है, हम तेरी बात करते हैं तू प्यारे मुस्तफा की बात करता है, हम तौहीद की बात करते हैं तू रिसालत की बात करता है, हम मक्का की बात करते हैं तू मदीना की बात करता है, हम तेरी इबादत की बात करते हैं तू अदाए मुस्तफा की बात करता है। ए रब्बे काबा मामला अजीब है, हम तेरे घर की बात करते हैं तू मुस्तफा के दर की बात करता है, हम ला इलाहा इल्लल्लाह की बात करते हैं तू मोहम्मद रसूलुल्लाह की बात करता है। रब्बे काबा मामला अजीब है, हम रब्बुल आलमीन की बात करते हैं तू रहमतुल्लिल आलमीन की बात करता है। ए रब्बे काबा मामला अजीब तर है, हम तेरी तौहीद की बात करते हैं तू महबूब की खत्मे नबूवत की बात करता है। ए रब्बे काबा कुरान तेरा है, सिखाए मुस्तफा, दीन इस्लाम तेरा, सिखाए मुस्तफा, ईमान तेरी जात पर अता करे प्यारा मुस्तफा। ए रब्बे काबा घर खाना काबा तेरा, तवाफ सिखाए मुस्तफा। ए रब्बे काबा हज तेरे घर का, सिखाए मुस्तफा, दीन तेरा, सिखाए मुस्तफा, शरीयत तेरी अता करदा, सिखाए मुस्तफा। ए रब्बे काबा कलाम तेरा, पढ़ाए मुस्तफा, सारा कुछ, सारा दीन, सारा कुरान, सारा ईमान दर मुस्तफा से सीखे। या अल्लाह तू भी कुछ सिखाएगा के नहीं? वाह 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 वाह, जिस चीज को समझ आए, जिस चीज को समझ आए, नुक्ता कुरान ये, लेकिन जब बोले फिर आशकों वाली सुभान अल्लाह बोले। ए रब्बे काबा तू भी कुछ सिखाएगा के नहीं, तू भी कुछ समझाएगा के नहीं? रब्बे काबा ने फरमाया लोगों सब कुछ दर मुस्तफा
मिलेगा, मैं सिर्फ एक चीज सिखाऊंगा। बोला वो क्या सिखाएगा? फरमाया नबी की दहलीज पर, नबी के दरवाजे, नबी के दरबार पर, नबी की आस्थाने पर, नबी के घराने पर, नबी के कदमों में, नबी की गली में, नबी के शहर में जाने का अदब सिखाऊंगा। जहां से सब कुछ मिलना है वहां झोली फैलाने का अदब सिखाऊंगा। पूरा कुरान सूरह अहज़ाब से सूरह हुजरात तक रब फरमाता है मुझसे पूछना है तो ये पूछो नबी की बारगाह में जाना कैसे, मुझसे सीखना है तो ये सीखो नबी की बारगाह में बात कैसे करनी है, मुझसे सीखना है तो ये सीखो नबी की बारगाह में आवाज कितनी रखनी है, मुझसे सीखना है तो ये सीखो नबी की बारगाह में लफ्ज कौन सा बोलना है कौन सा नहीं बोलना, मुझसे सीखना है तो ये सीखो अगर आका अलैहिस्सलाम अपने निकाह का वलीमा करें तो दावत कैसे खानी है, वापस कैसे आना है, मुझसे सीखना है तो ये सीखें कि आका की बारगाह में बैठना कैसे है, इजाजत लेनी हो तो कैसे लेनी है, आका की बारगाह में कोई सवाल करना हो तो कैसे करना। आओ कुरानी नुक्ते के बाद इसलिए फरमाया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिही वलव करिहल मुश्रिकून। फरमाया लोगो कुरान से पूछते हो कि रब कौन है, कुरान फरमाएगा लैसा कमिस्लिही शय, रब की कोई मिसाल नहीं है। कुरान से पूछोगे रब कौन है, कुरान कहेगा ला तुद्रिकुहुल अबसार, रब को कोई आंख देख नहीं सकती। ए कुरान कुछ तो बता, रब का पता। फरमाया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक, रब की सारी शाने हक हैं लेकिन सर रब की सबसे बड़ी शान ये है कि रब वो है जिसने मुहम्मद मुस्तफा को ताजदार खत्म नबूवत बनाया, रब वो है जिसने आका को हिदायत और हक देकर भेजा है। एक जुमला बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आले नबी औलाद अली के जिक्र के बगैर मिलाद मुकम्मल नहीं होता, एक जुमला देना चाहता हूँ। मुफस्सिरीन इकराम ने लिखा है कि हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिल हुदा व दीनिल हक, फरमाते लोगों रब का तारुफ कुरान ने यह करवाया है, रब वो है जिसने मुस्तफा को भेजा है, अकेले मुस्तफा को नहीं भेजा, बिल हुदा, हुदा से मुराद इमाम हसन है, और बिल हुदा व दीनिल हक, और दीन हक से मुराद इमाम हुसैन है, कि रब वो है जिसने मुस्तफा को भेजा है, अकेला नहीं भेजा, हसन भी साथ भेजा है हुसैन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अच्छा नारे रिसालत, नारे तहकी, नारे हैदरी। राजी बैठे हो, ये कुरान है सारा, सुभान अल्लाह, ये सारा कुरान है। और जो एक बस एक सवाल का जवाब देना, एक सवाल का, मुझे कहा गया है कि आपने घंटा लेना है, लेकिन मैं समझता हूँ कि जिनकी मोहब्बत ज्यादा है वक्त भी उनके ज्यादा है। मुझे पता है आप सारे कुरैशी साहब को सुनने आए हुए, मुझे पता है, इसलिए इंसान को इंसाफ करना चाहिए। एक बहुत बड़े सवाल का जवाब हजरत आपकी मौजूदगी में देना चाहता हूँ, उलमाए कराम मौजूद हैं और प्यार वाले मोहब्बत वाले, और आपका खूबसूरत ये आधी रात को ये मंजर जज्बा, अल्लाह इसको सलामत रखे। जब यही मसला अदब नबी का, इश्क नबी का, मोहब्बत नबी का, लोग कहते हैं कि क्या सिहाबा भी ऐसे करते थे, खुदा की इज्जत की कसम जैसा मेरे नबी से इश्क नबी के सिहाबा ने किया है कयामत तक कोई नहीं करेगा। हजरत मिसवर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, फरमाते हैं, बस दो तीन हदीसें, उन हदीसें बस उनका भी खुलासा फरमाते हैं, उरवा बिन मसूद ने फरमाया, लंबी बात का खुलासा कर रहा हूं, वो फरमाने लगे वफतो अला मलूकिल दुनिया व वफतो इला कैसरे वल किसरा वन नजाशी फिल हबशा वल्लाहे मार आई तो कत्तो मालकन असहाबो युद्धबो युद्धबो असहाबो मालकन मालका कमा युद्धबो असहाबो मुहम्मदन मुहम्मदा और कमा काल। फरमाते हैं लोगों सुनो, मुझे उस रब की कसम जिसने पैदा किया है, मैंने दुनिया के बड़े बड़े सुल्तान देखे, बड़े बड़े शहंशाह
बादशाह देखे, बड़े बड़े बादशाह देखे। मैंने रूम के शहंशाह को देखा, ईरान के शहंशाह को देखा, हफ्सा के शहंशाह को देखा, मिस्र देखा, शाम देखा, यमन देखा। फरमाते मुझे पैदा करने वाले की कसम, किसी बादशाह की उसके लोग इतनी इज्जत इतनी मोहब्बत नहीं करते जैसे मुस्तफा के सिहाबा नबी से करते। सहाबे इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन का नाम लेना आसान है, उनसे अकीदा सीखा। अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नियत के सीने में, सुन्नियत के दिल में नबी की मोहब्बत भी है, नबी के सिहाबा की मोहब्बत भी है और आले नबी औलाद अली की मोहब्बत भी है। कामयाबी के लिए दोनों चीजें चाहिए। सिर्फ मेरे नबी की जितनी सीरत जितनी सुन्नत घर से बाहर है वो हमें सिहाबा के कदमों से मिलती है रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन, और मेरे नबी की जितनी सीरत जितनी सुन्नत जितना दीन घर के अंदर है वो अहले बैत अतहार से मिलता है। दीन कामिल दीन मुकम्मल ईमान कामिल उसका होगा जिसके सीने में नबी के सहाब की मोहब्बत भी हो, नबी की आल की मोहब्बत भी हो। मक्के के सरदारों ने कहा, उरवा कैसे कहते हो कि पूरी दुनिया में कोई किसी से इतनी मोहब्बत नहीं करता जितनी नबी के गुलाम नबी से करते हैं। उसने कहा जो कुछ मैंने देखा है अगर तुम देखो तो तुम भी यही कहोगे। मक्के के सरदारों ने पूछा कि क्या देखा है हो, कहने लगे मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। कादू यकतातिलूना अला वुदूही, कि जब ये नबी वुजू फरमाते हैं तो सहाबा इकराम इतनी मोहब्बत करते हैं अपने नबी से, वुजू वाला पानी नीचे नहीं जाने देते, वुजू वाले पानी को हाथों में लेते हैं, चेहरे पर मलते हैं, सीने पर मलते हैं, बरकत लेते हैं। और जो सहाबी बाद में आए वुजू के वक्त मौजूद ना हो वो बाकी सहाबा से पूछते हैं कौन खुश नसीब मौजूद था जब आका ने वुजू फरमाया। किसी ने कहा जी मैं मौजूद था, उन्होंने हाथ पकड़ लिया, अच्छा जी जब आप मौजूद थे आपको पानी मिला आका के वजू वाला, उन्होंने कहा जी मिला, किन हाथों पे, उन्होंने कहा जी इन हाथों पे मिला, वो नहीं हाथों को हाथ लगा के चूम रहे हैं। ये सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अजमईन का तरीका है। अरे उनके इश्क की क्या बात पूछते हो, किस किस बात की बात करें कि मेरे आका अगर हजाम के पास जलवा घर हो जाए जुल्फे वल्लाइल को तरसवाने के लिए और ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए, वो सहाबा इकराम अपने आका का तवाफ करते हैं इश्क में और कोई मुवे मुबारक बाल मुबारक नीचे नहीं जाने देते, संभाल के रखते हैं, बरकत लेते हैं। हजरत सैयदना खालिद बिन वलीद जैसे सैफुल्ला का लकब पाने वाले अपनी टोपी में बरकत के लिए रखते हैं। घुमसान की जंग में टोपी गिर जाती है, दुश्मन के तीरों और तलवारों की बारिश है, जान की परवाह नहीं करते, दुश्मन के तीरों तलवारों की परवाह नहीं करते, टोपी को तलाश करने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। सहाबा करते हैं हमारे कमांडर साहब टोपी और ले लेंगे, दुश्मन चढ़ाई कर रहा है। फरमाने लगे मुझे इससे गर्ज नहीं कि तलवारें और तीर बरस जाए, मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाए, सबसे पहले इस टोपी को तलाश करूंगा। उन्होंने कहा क्यों टोपी में क्या है, फरमाने लगे टोपी में वो राज है जिसके सदके हर जंग जीत के आते हैं। क्या राज है, फरमाया इसमें आका का मुवे मुबारक, आका का मुवे मुबारक है। मेरे चांद आखिरी जुमला गौर कीजिएगा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुवे मुबारक दुनिया का कायदा है, दुनिया का तरीका है। जिस तरह पत्ता दरख्त से कट जाए जल जाता है, सड़ जाता है, डेड हो जाता है, मर जाता है, नाखून बाल इंसानी जिस्म से अलग हो जाए, बेजान हो जाता है, ख़त्म हो जाता है,
रौनक बैठे रौनक खत्म हो जाती है, ताजगी खत्म हो जाती है। हर इंसान के साथ मसला यही है, लेकिन कुर्बान जाऊं हसनैन करीमैन के नाना की अजमत पर, मेरे आका के मुंह मुबारक बाल मुबारक 1500 साल खत्म हो जाने के बावजूद भी आज भी पूरी रूए जमीन पर हर शहर में मौजूद हैं, बरकते रहे हैं, जिंदा है, आज भी ताजा है। बल्कि मेरा चैलेंज है, मेडिकल साइंस की दुनिया है, टेक्नोलॉजी का दौर है, आप लेबोरेटरी में अगर कोई चेक करेगा तो रिपोर्ट आएगी इट इज लाइफ, कि ये जिंदा है। अरे जिस नबी का बाल बाल जिंदा है वो नबी खुद भी, इसलिए हम मिलाद करते हैं कि हमारे नबी जिंदा है, देख रहे हैं अपने आशिकों को, अपने गुलामों को। कोई जंगल में भी मंगल लगाए, कोई कहीं बैठ के आका का जिक्र करे, मेरे आका देख भी रहे हैं, मेरे आका सुन भी रहे हैं। आला हजरत अजीम अल मर्तबत इमाम अशा अहमद रजा खान फाजिल बरेली रहमतुल्लाह ने हक फरमाया, सच फरमाया, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले, बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, हम बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। नारे तकबीर।